डे की स्टार्टिंग कुछ ऐसी हो रही है, देखो इनकी कुछ भी है। मम्मी भी इनका पिंजरा साफ कर रहे थे, मस्त लड़ाई कर रहा है ये, और मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ, साथ में मेरा दूध है वो पी रही हूँ। और वही एज इट इज़ भाई जी आ नहीं रही है, तो घर में काम वैसे ही चल ही रहा है, और चिकू तो मिल्क पी नहीं रहा है, मैं पी लेती हूँ। मनी प्लांट लंबी हुई है, पर ना मनी प्लांट वो तब काम वाले ने सही की नहीं। खाएगी मुझे हाँ निकल रही लंबी थी कितने, साथ साथ में काम भी कर रहे हैं, और काम करते करते अभी पूरा बाहर क्या एक्चुअली बन ही आया था, तो पूरा बाहर बाल बहुत ज़्यादा थे, तो अभी सारा क्लीन किया है और झाड़ू लग गया है पूरे घर में, अभी पोछा लगा रही। कंप्लीट काम हो गया है, कपड़े एक तरफ धुल रहे हैं, अब मैं नहा भी लेती हूँ, साथ साथ में कपड़े वो पानी में बार बार घुमा घुमा के सर्फ पूरा साफ करना होता है ना, तो वो हो रहा है, इतने में मैं नहा लेती हूँ, थक गई बहुत ज़्यादा। और शॉप पे कस्टमर भी आ गए हैं, 1 बज गई है, टाइम ऐसे हो गया पता ही नहीं चला। मैं नहा के कम्प्लीट हो गई हूँ, मम्मी ने खाना लगभग बना दिया था, रोटियाँ मैंने बना दी हैं, तो अभी हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारे घर के बाहर सीताफल उगते हैं, तो वो यहाँ पर रख दिया है, थोड़ा ज़्यादा पक गया है तो उससे उस वजह से खुल गया है। खाने में बना है आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी, तो फटाफट से मेरा लंच मैं फिनिश कर देती हूँ और फिर शॉप पे चलते हैं। एक ट्रिप और एक अपना। फाइनली फटाफट से मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और अब चलते हैं शॉप पे, अब आगे भी बहुत सारा काम है, चलो आगे वाला भी काम देखते हैं। ये हमारी स्कॉवो सबको भी है, ओला कब आ रही है भाई, हो गया काम अंदर सैलून में, तो काम चल रहा है, पर कल जो हमने ऑर्डर दिया था वो हमारा जो सामान है वो आ चुका है। वाओ देखना, एक तो ये आया, ये आया, ये ब्रश आया, तो वो करवा रही है। नहीं नहीं तू इतनी तेरे काम अंदर बड़ा है, काम छोड़ के यहाँ देखने के लिए आई, मार खा जाएगी चोरी, तू आज सुबह से कर्नाटक की कर रही है। जान छोरी अंदर काम कर रही है, जान ए, बस ऐसे काम कर रहा है हमार, देखो देख लिए हां, ये खोल दो, मेरे को यही देखना है, क्यों ये क्यों देखना है, हीट रेसिस्टेंट वो मैट होंगे, तो कितनी चीजें लाई नहीं है और आना बाकी, ये अपनी वाली मशीन से थोड़ा अपग्रेड था, तो इसमें डिब्बे में ही डाल के रखोगे क्या? हां डिब्बे में ही देता है, देख लिया बस मैंने, अब पधारो मैं काम करो, देखो गरम गरम करने का, फिर अंदर उंगली रखने की, फिर ऐसे दबा देने का, कॉम्बो, ये भी जूतों से तो ठीक है। ओके तो लेट्स गो, आते में तुरंत हम इसके साथ काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जस्ट हम हुए हैं क्लाइंट से फ्री और अभी 6:19 हो गई हैं, तो अब ब्राइडल्स के लिए शॉपिंग करने का भी टाइम आ गया है, तो अभी मैं ज्वेलरी की शॉपिंग करने वाली हूँ, भैया आ गए हैं ज्वेलरी वाले, सो अभी फटाफट से थोड़ा यहाँ पे सैलून वगैरह क्लीन कर देते हैं और ज्वेलरी लेके बैठ जाएंगे। ये हमारा सेटअप लग चुका है, बस अभी बाहर से आने वाले हैं, बैठ गए, हाँ बस सेटअप लग गया, हाँ बस ये यहाँ रख लेंगे और ये चेक करेंगे, अभी एक रील एडिट कर रही हूँ जाके इंस्टा पे।
स्टोव आ चुका है ज्वेलरी का। फाइनली अब हम फ्री हो चुके हैं 8:42 पे, अब जा रहे हैं हम घर पे क्योंकि ज्वेलरी की शॉपिंग हो गई है जो अपकमिंग ब्राइडल्स हैं उनके लिए। तो अभी ज्वेलरी का बहुत ही अच्छा स्टॉक आया है, जितनी भी मेरी ब्राइडल्स है वो व्लॉग देख रही है तो आप आके अभी न्यू स्टॉक है वो ज्वेलरी का चेक कर लीजिए, सबको एक साथ मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। क्यों सही बात है, खेल के आ गया जाऊँ। तो आप भी घर पे आ गए हैं, मम्मी यहाँ पर क्या बना रहे हैं, करेले बन रहे हैं यहाँ पे, आटा भी बांध दिया है। अब मैं एक तरफ बना देती हूँ रोटी और जूते पहन के बेटा अंदर क्यों आए हैं, और ये यहाँ पर चिकू मस्त आराम फरमा रहे, मस्त शॉपिंग हो गई है ब्राइडल के लिए जोरदार वाली। अब ज्वेलरी का कलेक्शन देखने का मजा आ जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो भी कलेक्शन है ज्वेलरी का मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, तो उसके लिए मैं मॉडल्स के ऊपर प्रॉपर शूट करूँगी, और अब भी मुझे मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे ये कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगी, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करना। और सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि मैं इंस्टा पे भी फ़ोटो डालूँगी और यूट्यूब पे मेरे मेकअप का ट्यूटोरियल भी जाएगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ही कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इंटरेस्टेड तो होते हैं पर हमारे फ़ोटोज़ पब्लिक नहीं होने चाहिए, तो उसमें मेरा तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि एक से दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको पहले से ही बोल देती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यार थक हार तो गए हैं, पर मम्मी एक तरफ सब्जी बना रहे हैं, सब्जी जैसे ही पकती है फिर रोटी बनाने बैठती हूँ, क्योंकि थोड़ी गरम गरम रोटी खाएंगे तो मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रोटी बनाने के लिए आ चुकी हूँ किचन में, और अभी रोटी बना रही हूँ, आप देखो कैसी मस्त गोल गोल मैं रोटियाँ बनाती हूँ। अब बताओ ये रोटी कहाँ से टेढ़ी है, परफेक्ट है या फिर टेढ़ी है थोड़ी सी? परफेक्ट परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स खाना बन चुका है और मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ ये दो फोमतारियों से बातें करती करती, और ये मेरा खाना करेले की सब्जी और रोटी, अभी कन्वर्सेशन चल ही रही है, तो खाना खाते खाते मस्त दोनों से बातें हो जाएगी और हमारा अपना खाना भी ख़त्म हो जाएगा। छट्टी पे इसको पता नहीं, छट्टी बार में बुआ जाती है कपड़े और धागा लेके बच्चे बेबी के लिए। हाँ दिखा रही दिखा रही फोटो। ओह कांग्रेचुलेशंस बुआ। फ्रेंड्स बातें करते करते खाना तो खा लिया है और बातें भी हो गई थोड़ी, और यहीं पर चल रही है मेरी एडिटिंग। सो एडिटिंग अभी चिकू करेंगे और यहीं पर मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय। चलो कोको खानी हो तो चलो चलो ना।